कुक विद डिंपल पटेल में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ डिंपल। तो आज मैं आप सबके लिए मुंबई की फेमस स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी लेके आई हूँ, जो बनाना बिल्कुल भी आसान है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देखते हैं। तो ये है मेरी आज की मुंबई की फेमस डिश स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव, जो बनाने में बहुत ही आसान है और बच्चों और बड़ों को सबको बहुत ही पसंद आता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल भर के उबले हुए चावल ले लिए हैं, जिसे मैंने 80% ही कुक किया है। बस हमें इतना ही कुक करना है। वेजिटेबल में मैंने लिए हैं टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च और गाजर। इन सब वेजिटेबल को मैंने चॉप करके रख दिया है। और यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर यूज़ किए हैं। अगर आप फ्रेश मटर यूज़ करें तो पहले आप उसको उबाल के यूज़ करें। मसालों में मैंने पाव भाजी मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, नींबू का जूस, बटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, स्वाद अनुसार नमक और धनिया पत्ती ले लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। मैंने यहाँ पे गैस ऑन कर दिया है। एक चम्मच हम बटर ले लेंगे और बटर के साथ हम 3 चम्मच ऑयल ले लेंगे, जिससे हमारा बटर जले नहीं। अब हम इसे मेल्ट होने देंगे। तो यहाँ पे हमारा बटर मेल्ट हो चुका है, तो सबसे पहले हम ऑनियन डाल देंगे। अब हम इसे 1 मिनट के लिए सोते कर लेंगे। यहाँ पे हमारा प्याज सोते हो गया है, तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। उसे भी हम 1/2 सेकंड के लिए भून लेंगे। प्याज हमारा कुक हो गया है, तो अब हम इसमें शिमला मिर्च और गाजर ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए लीड बंद करके इसे कुक कर लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे वेजिटेबल कुक हो गए हैं। अब हम टमाटर और फ्रोज़न मटर ऐड कर देंगे। अगर आप उबले हुए आलू ऐड करना चाहते हैं तो आप इसे स्टेज पे ऐड कर दें। साथ ही साथ 2 छोटी चम्मच नमक ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे लीड लगा के 2 मिनट के लिए टमाटर को कुक कर लेंगे। यहाँ पे हमारे टमाटर कुक हो चुके हैं, तो बढ़ते हैं अब मसालों की ओर। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड किया है। अब बारी आती है हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स की, जो है पाव भाजी मसाला। इसे हम 3 चम्मच ऐड कर देंगे। मसाले आप अपने स्वाद अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा वेजिटेबल और मसाला कुक हो गया है, तो अब हम लास्ट में अपने राइस डाल देंगे। राइस और वेजिटेबल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। तो देखिए कितना खिला खिला हमारा पुलाव रेडी हुआ है। ये स्ट्रीट स्टाइल तवा पुलाव है, तो इसे तवे पे ही बनाया जाता है। लेकिन मेरे पास इतना बड़ा तवा अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसे कढ़ाई में ही बना रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा तवा अवेलेबल है तो आप तवे पे भी बना सकते हैं। राइस हमारा मिक्स हो गया है, तो अब हम इसमें धनिया पत्ती और नींबू का जूस ऐड कर देंगे। नींबू का जूस मैंने 3 बड़ी चम्मच यूज़ किया है। अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा तवा पुलाव रेडी हो गया है। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो ये थी मेरी आज की हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट डिश। अगर आप मेरी डिश को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी डिश का भी टेस्ट बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में रेडी हो जाएगा। आप इस डिश को पापड़ के साथ और अपने मनपसंद रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आप रायते की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मैंने वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है और मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं।
अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू गाइस, बाय।